को लेकर श्री शिवदेव सिंह जी हमारे बीच में हैं और वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। मैं शिवदेव सिंह जी उभरूंगा मंच पर आए और भाजपा का दामन थाम। तो जो नहीं भी जा रहे दोस्त मंडल जी आओ जी नवे लोग सारे लोग उधर उधर सर ले जाओ चलिए बहुत अच्छा नवे बहुत पुराने ये सब मंत्र प्रधान ही बैठे चाचे सुरेंद्र होने बैठे इन्हें थोड़ी करना होता है आइए सर
सबके बहुत अच्छा चलो ये सबके गले में पटके जी एक पटका लाओ इधर से अच्छा सब पटका लाओ बड़ी बड़ी मुबारक मारे जय माता दी तो एक बार सभी हाथ खड़ा करके जय घोष लगाओ सबके गले में इतने सुंदर भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ठाकुर शिवदेव सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं उनको ठाकुर जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पे आकर अपने विचार रखें आदरणीय हमारे प्रधान सुरेंद्र रैना जी कौर साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं और हमारे भाई जी हैं श्यामलाल शर्मा जी उन्होंने बताया कि हम मुशेर भाई हैं हमारा पुराना संबंध है इनसे सुरेंद्र रैना जी जो हमारे छोटे भाई हैं बड़ी देर हमने इकट्ठा काम किया है और हमारे जिला प्रदेश के प्रेसिडेंट बाकी जितने भी हमारे साथ रोड़ा गांव से सभी लोग आए हैं इनमें हमारे चार पांच कॉर्पोरेटर भी हैं अशोक सिंह जी और सुरेंद्र जी ओमी कचूरिया जो हमारे प्रोत भी हैं हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं तो ताराचंद जी ये भी शार्ट नंबर वार्ड से कॉर्पोरेटर हैं बाकी जितने भी हमारे साथी आए हैं तो बड़ी देर से हमारा मन था कि हम इसी जमाने में हमारे फादर साहब भी आरएसएस के प्रेसिडेंट थे रोड़ा गांव के वो सुरेंद्र जी अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारे गांव के लोग हैं तो उस समय हम काम करते थे शाखा में जाते थे मुकुंदलाल शर्मा जी और हंसराज पाता जी ये वहां पर शाखा लगाते थे फिर आस्ता आस्ता ऐसा दौर आया कि जब उनकी ट्रांसफर बाहर की गई तो हमारे गांव में शाखा जो है मंडल कल्याण दत्त करते थे तो हम उसमें रोज जाते थे शाखा में तो हालात बदलते रहते हैं तो पंडित दुर्लोचन दत्त जी आए वहां के कैंडिडेट हमारे एमएलए बने उन्होंने हमारा दामन पकड़ा हमें ले गया अपने साथ तो कांग्रेस में रहे अब जो हालात बने हैं तो हमारा मन नहीं वहां पर रखता श्यामलाल शर्मा जी जब से वहां से निकले तो हमारा भी मन था लेकिन अभी कहते हैं हमारे जो शेर भाई है उन्होंने एक दफा भी मुझे बुलाया नहीं अगर बुलाते तो शायद मैं उसी समय राणा साहब ने बड़ी जब इन्होंने ज्वाइन किया तब इन्होंने भी कहा कौर साहब की परमिशन के बगैर हमारा भी मन नहीं था यहाँ पर आने का फिर मैं प्रेसिडेंट साहब से भी मिला ओमी साहब हमारे साथ गए थे तो वो तीन चार महीने से हमारी कश्मकश चल रही थी 2014 में
भी हमें कॉल किया गया कि आओ आप बीजेपी के टिकट पर मिनोता से लड़ते लड़ो, तो उस समय हमारी माता जी थी, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जाओ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम फिर ही जाओ। तो अब उनकी डेथ भी हो गई मेरे 5-6 महीने पहले, तो फिर मेरा मन बना था कि ऐसी पार्टी में हम जाएं जहां पर अपने लोग मिले, अपनी विचारधारा हो, मन की बात हो। तो मोदी जी के सिवा हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता हमें नहीं नजर आया। तो हम टेलीविजन पर देखते हैं, जब भी देखते हैं तो जो मोदी साहब का भाषण होता है या उनके काम काज की लोग सराहना करते हैं और प्रैक्टिकली उन्होंने जो कुछ भी किया प्रैक्टिकली, तो इसलिए हमारा मन बना। तो एक दफा प्रोग्राम फिक्स भी हुआ, राणा साहब मुझे बोलने लगे, प्रेसिडेंट साहब के कहने लगे पहले नराते भी आ जाओ। मैंने थोड़े फर्करों से भी बात करने दो जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है जहाँ रैपर जमाना में है, बड़ी बात करने दो। एक दफा आदमी चला जाता है तो वर्कर पीछे से कहते हैं कि आप हमें कुछ का बोलेंगे, वो भी थोड़ी गिला शिकवा बनता है, मैं उसको थोड़ा दूर कर ले। तो चलो फिर हमने उपराग किया, फिर डेढ़ फिक्स हुई थी हमारी कल की 20 को। तो फिर गौर साहब ने बोला कि हमने मीटिंग में जाना है बाहर, आपको 40-50 लोग लेकर 19 को ही जाएंगे। तो पुरुषोत्तम सिंह जी जो हमारे बीच में थे, तालमेल रखते थे हम आपस में, तो हमने कहा चलो हम अपने गांव के लोगों को ही ले चलते हैं, जितने भी हमारे से हो सकता है हमने कोशिश की। तो बाहर के लोगों को हमने कैंसिल कर दिया, फिर कभी मौका आप देंगे तो फिर हम अच्छे ढंग से फील्ड में प्रोग्राम करेंगे। हमारा काम बचपन से प्रैक्टिकली काम करते आए, पंचायत का इलेक्शन भी लड़ा हमने, पंच भी बने, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन भी 1980 में लड़ा, 1987 में हम विधायक बने। तो उसके बाद हमें ठोकरें बड़ी मिलने लगी, ठोकरें मतलब टिकट भी कई दफा मिलती, 2002 में नहीं मिली, 2008 में नहीं मिली, 2005 में मुझे MSC का मैंडेट मिला, मुझे क्रॉस वोटिंग में हरा दिया गया, लेकिन बड़ी तकलीफें देखी हमने। तो अभी कोई तमन्ना नहीं हमारे मन में, काम करने की भावना है, पार्टी है जितना भी हमसे ले सकती है हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम किसी पर बोझ बनने के लिए तैयार नहीं। किसी को कहेंगे ऐसे करो ऐसे करो वो नहीं, कौर साहब का और प्रेसिडेंट साहब का जो आदेश होगा उसको हम मानने के लिए सदमाते पर हमारे, और मैं आज अपने आप को इनके सुपुर्द करता हूँ। ये जैसे भी मेरा करेंगे जहाँ भी मुझे समझे वहाँ जो काम देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद जय भारत। ठाकुर शिवदेव जी ने बड़ी अच्छी बातें कही कि जैसा आप मेरे को करेंगे देखेंगे, जैसा आप पार्टी जो काम देगी मैं वैसा ही करूंगा। बेसिकली वो हमारी मूल विचारधारा से ही थे, लेकिन कुछ देर के लिए वो चले गए थे, उस द्वारा घर वापसी हुई है, जो उधर तालियों से उनका स्वागत किया। मैं जिसे कहूंगा मैं श्रीमान श्यामलाल शर्मा जी से कहूंगा कि मंच पर आकर अपनी बात करें। उम्मीद खजुरिया जी को कहूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान लें। परमादरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राणा जी, परमादरणीय प्रदेश के महामंत्री कर्मयोगी श्रीमान अशोक कौल जी, श्री रविंदर सिंह राणा जी, जिला दे अध्यक्ष रजिंदर सिंह चेप जी, श्रीमान ओमी खजूरिया जी, मेरे बड़े भरा और बहुत ही सहज स्वभाव के साबका विधायक और अज भारतीय जनता पार्टी विच जिन्हें शमूलियत की है, ऐसे सारे ठाकुर शिवदेव सिंह जी मंडल अध्यक्ष जी और बहुत ही वरिष्ठ
नेतागण इतने बैठे रहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर माता शक्ति सारे की नमस्कार ज्यादा समय नहीं लेंदे हुए मैं एक बारी फिर दिल की गहराइयां कहना धन्यवाद भी करना और मुबारकबाद भी तुसे सारे लोगों ही दिना कि बहुत अच्छा फैसला ठाकुर शिवदेव सिंह जी ने लिया और जेडी उन्हें विचारधारा की गल की है मैं कांग्रेस विच भी उन्हें ही दिखिया उनका काम करने का तरीका भी दिखिया और जेडी भी जिम्मेवारी पार्टी चीने की दिती जंदी ही बड़ी ईमानदारी कन्ने नमा दे है। और बिल्कुल इन्हें ठीक आख्या कि पंचायत का ली है जम्मू कश्मीर की विधानसभा तक गए और संगठन विच भी इन्हें काम किया तो एक बारी फिर तुंदे सारे जेड़े इन्हें आशीर्वाद देने आए थे इतने उनका भी धन्यवाद करने आ। और एक चीज का भी इतने जिक्र हुआ वो मैं बाद चिंदे कन्ने गल करूं लेकिन एक बारी फिर जिन्हें सारे तो साथी बैठे दे हो नहीं लगता है कि आज देश दी और पूरी दुनिया दी संसार दी जेड़ी पुकार है वो जेड़ी चेतना है आज भारतवर्ष के अंदर और पूरे संसार के अंदर तो दिखा दे हो कि हर आदमी जेड़ा जिंदा भारतवासी है वो मान सम्मान दानी बाकी चीजा तो चलदिया रहा लेकिन अज हिंदुस्तान का भारत वर्ष का जेड़ा सम्मान है बड़ी देर के बाद वो मी लगता है कि बुलंदियों की छुआ है और तुंदा सारे लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेड़ा सहयोग रहा तुहाड़ी जेड़ी सोच रही और एडा वड्डा लीडरशिप जेड़ी अज दुनिया की भी रोशनी जेड़ी है वो इस भारत वर्ष को इस हिंदुस्तान को और भारतीय जनता पार्टी की जेड़ी लीडरशिप है उन्दे कोला मिला दी है और तुहाडा जिहड़ा आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी जी जम्मू कश्मीर के अंदर मिला दा है मी लगता नहीं है कि कोई सियासी पार्टी चाहे वह जम्मू है चाहे कश्मीर है तुसे डिलिमिटेशन की गै दिखा होना इे लड़ाई शिवदेव जी की पता कि पोलिटिकल इंपावरमेंट की अस लड़दे कि बाकी कुछ नहीं जम्मू के लोगों की मान सम्मान दो और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू खिते का अंदर चाहे वह मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो बौद्ध हो उनके कन्ने इंसाफ करो और आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी गृहमंत्री अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम और बहुत ही कर्मठ सारे इथों के अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी और करम जोगी श्री अशोक कौल जी उनके छत्र छाया च भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेडे ने इतने काम करा दें मैं यकीन दिलांग शिवदेव जी की कि जेडे लोग करम जोगी होंगे काम करने वाले होंगे वो अपनी जगह आपो बनाते और उस चीज की इसकी जानते भी और भारतीय जनता पार्टी का एक जेड़ा बहुत ही फैलाव है वो कार्यकर्ता की बड़ा इज्जत मान सम्मान देंदे और असें लोगों ने पहले भी काम किए एक बार फिर तुसेंगी बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद जय हिंद जय भारत। धन्यवाद शाम जी। अब मैं श्री दविंदर राणा जी को कहूंगा कि मंच पे आकर अपनी बात करें। सर बीच में सिंगल लगा दिया छोटी ये शरारता नहीं करा करो मान जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी साढ़े मार्गदर्शक और इस पार्टी चुनने के बाद अस संभालने वाले और दिशा दसने वाले मानयोग संगठन मंत्री माननीय अशोक कौल जी जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्याम लाल जी
ओमी खजूरिया साहब, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चिप जी और मेरे बड़े भरा मेरी उस नगरोटा कांस्टिट्यूएंसी साबका एमएलए रहे और उस कांस्टिट्यूएंसी की गली गली कने महले महले कने एक एक शख्स कने जमीनी सतह पर जुड़े दे मेरे बड़े भरा शिवदेव सिंह जी जिन्हें आज पार्टी इतने ज्वाइन की। बुजुर्गो साथियों दोस्तों भैनों के भरा सारे को पहले मैं शिवदेव जी थोड़ा स्वागत करना और मैं समझना कि थोड़े आने के कने जम्मू कश्मीर के बिच असें मजबूती मिलेगी। साले चलाने जो माल कृष्ण कौल साहब करा दे जिसकी अध्यक्षता रविंदर रैना साहब करा दे जम्मू कश्मीर की मजबूती मिलेगी, संगठन की मजबूती मिलेगी और असें सारे थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा मजबूती मिलेगी। मैं उसके लिए थोड़ा स्वागत करना और थोड़ा तय दिल कने स्वागत करना जिन्हें भी साथी इतने जुड़े हैं ये पुरुषोत्तम और बड़े धरोई धरोई अभी दिखा रहे हैं ये सूत्रधार हैं। मैं इन सारे का जिन्हें भी साथी इतने बैठे हैं स्वागत करना और मैं परमात्मा अगे माता रानी अगे प्रार्थना करना कि और मजबूती असें मिले। आज छह महीने नहीं हुई है तकरीबन इस पार्टी आए थे और मैं यकीन कने अपना चाहना श्री कौल साहब के मार्गदर्शन कने और रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में कदें यह महसूस ही नहीं होया कि कोई नवी जगह आया कोई नवेली जगह आया इन्ना प्यार इन्ना सहयोग और इन्ना समर्थन मिलया और जिथे भी जरूरत पई मार्गदर्शन भी मिलया कि कियां चलना है के करना है। एक ऐसा परिवार है जिहड़ा बड़ा सरल परिवार ये बड़ा एक ऐसा परिवार है जिदे सरलता है जिदे आपस में प्यार है और कुसे कने बख नहीं किता जांदा अपनाने की कोशिश की जाती है और जिहड़ा इस परिवार का कार्यकर्ता है वह इन्ना कर्मठ और मजबूत है कि मैं समझना कि उसका कोई भी मुकाबला पूरी दुनिया कोई नहीं कर सकता। इन्ना मजबूत संगठन और इन्ना मजबूत कार्यकर्ता है। तुम इस पार्टी आए हो तुम्हें आख्या तुम्हें पहले ही इस पार्टी की समझ दो भी पूरी उम्मीद है कि कौल साहब की मार्गदर्शन और रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता तुम्हें इं लगेगा तुम अपने ही परिवार आई हो। इन्हें आख्या घर वापसी ये परिवार वापसी है परिवार के बीच असे सारे कोशिशें करनी चाहिए कि अस अपने आप की मजबूत कर चाहिए और अपने आप का मतलब है जम्मू के मजबूत करते जम्मू कश्मीर की। आई किस लोग आते हैं कि 5 अगस्त के बाद के मिले 5 अगस्त के बाद जम्मू की उसका आत्म सम्मान मिलया जम्मू की उसका हक मिलया और एक बराबरी की सतह मिली। आज जेडे सारे कश्मीर के कई साथी हैं जिन्हें बड़े मरोड़ पवा दे ढेडे उनकी सियासत जेड़ी है वह बदअमनी की सियासत है बदहाली की सियासत है और वह चाहते हैं कि बदअमनी और बदहाली का आलम जरा वापस आवे ताकि उनकी सियासत चले। उनकी सियासत जेड़ी है वह खुशहाली की सियासत नहीं है उनकी सियासत तरक्की की सियासत नहीं है लेकिन भाजपा की सियासत जेड़ी है वह खुशहाली की सियासत है वह तरक्की की सियासत है उसे सारे सम्मान देने की सियासत है कुसे भी कुसे ऊपर जायदारी ना रवे सारे भी सारे ऊपर बराबरी रहे उसकी सियासत। आज सारे आखा रहे कि 5 अगस्त के बाद कश्मीर इक्के होया कश्मीर अमन आया कश्मीर पत्थरबाजी बंद हुई कश्मीर के बीच एक अमन की फिजा चली। सारा अपना राहुल भट्ट कने जो होया पूरे सारे दुख है अस सारे दुखी हैं रंजीत सिंह कने जो होया अस सारे दुखी हैं लेकिन वो ताकतां जेड़ी समझदी हैं कि वो इस देश के नेतृत्व सुदृढ़ नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व जेड़ा है और जेड़ा अमित शाह साहब का नेतृत्व है
उसके को कंपी दियां सियासत लत्तां कंपी दियां इसलिए जड़ा उखड़ी दियां और जड़ा उखड़ी दियां बखलाहट है। राहुल भट्ट की मौत, रंजीत सिंह की मौत, यह नेतृत्व जो उसका बदला लेगा और उन्हें उसे सबक मिले। आज आतंकवाद खात्मे के ऊपर है, आतंकवादी समझदा कि मैं मेरी जान जी है चार या त्रै महीने की। आज जो आदमी बंदूक चुकता पहले वो समझदा हा कि बंदूक मैं चुकांगा, मैं पूरे इस जम्मू कश्मीर ऊपर राज करांगा, मेरी पूरी की पूरी सपोर्ट पाकिस्तान तो भी आएगी। आज वो समझदा कि अगर मैं बंदूक चुकना तो मैं दो त्रै महीने तो ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि जरा नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है जरा उसने तैयार कर लिया, उसने मन बनाई देगा कि जम्मू कश्मीर अमन लिया, जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह पर अगे बताना है और उस नेतृत्व ऊपर लोगों यकीन है। और आज मैं तो ये दसना चाहना दावे कने कि आज कश्मीर का भी जरा आम आदमी है 60-70% आम आदमी जो अमन चाहता वह नरेंद्र भाई मोदी की तरफ दिखा रहा, वह अमित शाह साहब की तरफ दिखा रहा, वह भाजपा की तरफ दिखा रहा कि इन जो अमन लाई सकते और जी अमन की फिजा उसे बनी है जिंदी बुनियाद रखी है वह एक बूटा बनेगा, अमन का बूटा बनेगा। कश्मीर जरा एक अमन का जजीरा था वह अमन का जजीरा बनेगा। अस ही आखते कि अस कम्यूनल पॉलिटिक्स करते कमाल, और तुम जो तू जगह जगह जाइए हर गल की तुसे ने बिजली की कटौती की भी कम्यूनलाइज करी ओड़िया, तुसे आखिया कि बिजली की कटौती जेड़ी है वो इसलिए शहरी और रफ्तारी जो आदि जिसे पूरे हिन्दुस्तान ने बिजली का काम किया, तुस कम्यूनल पॉलिटिक्स करते हो, अस बराबरी की पॉलिटिक्स करते। सारे नेता माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का क्या नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, सबका साथ का मतलब है सारे का साथ। यही आज लाभार्थी है उन्हें हिंदू भी है मुसलमान भी है सिख भी है। आज अगर जो आयुष्मान कार्ड है गोल्डन कार्ड हर एक ही मिला था 5 लाख से ज्यादा मिला था, क्या वो फर्क करा था? क्या अगर गरीब की राशन मिला था फर्क करा था कि कुछ ही राशन मिला था? जिला मोदी साहब राशन भेजा दे सारे बराबर मिला था, आज सड़कें बना दिया, जल शक्ति अभियान चला था कुछ नहीं चला था, क्या फर्क करा था? नहीं, ये लोग जानते हैं इसलिए लता कंपनी ने भारत का मुस्तकबिल एक मजबूत मुस्तकबिल, भारत एक पूरी दुनिया की एक सब तो बड़ी ताकत उभरी आबादी क्योंकि नेतृत्व इतना मजबूत है, उससे ताकत दे छत्र छाया जम्मू कश्मीर भी भारत का एक चमकदार सितारा बनेगा और वह चमकदार सितारा भाजपा के नेतृत्व भी बनी सकता, इतने भाजपा ही तरक्की की राह लियाई सकती, इतने भाजपा ही जम्मू कश्मीर की मजबूत कर सकती, इतने भाजपा ही भाईचारे मजबूत कर सकती, इतने भाजपा ही खात्मा कर सकती उन ताकतें का जिन्हें जम्मू बदमनी जम्मू कश्मीर बदमनी की। और जम्मू लोग आगे जम्मू 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 आखने आगे कुछ हैं, जम्मू 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 आखने वाले ठीक हैं और जम्मू की मजबूती जारी रहेगी, जम्मू मजबूत रहेगा, जम्मू कश्मीर मजबूत रहेगा। आज सफाई अब भाजपा दे, आज कार्यकर्ता भाजपा दे, मेरे बड़े भरा शिवदेव और क्या अभी कुछ चाहिए नहीं, अस एक राष्ट्र देश इस बड़े दे जरा अवन चला रहा उदे रस हिस्सेदार बनाने परमात्मा माता रानी ने चाया उस अमन की आहुति दे ही जाएंगे और मजबूत जम्मू कश्मीर की करिए जाएंगे, भारत की करिए जम्मू भी मजबूत रहेगा। जिया मेरे भ्रा ने आख्या डीलिमिनेशन हुई बड़े मनोवर पेश आ रही, जम्मू मजबूत होया, पोलिटिकल एम्पावरमेंट हुई, सारी बड़ी तकलीफ हुई, जम्मू की 6 सीटा बनी इन्हें बड़ी तकलीफ हुई, तकलीफ आम आदमी की नहीं होगी, उन्हें वाली जिन्हें यह पता है कि सत्ता का पलटा जरा बदली चुके था उनके हथा सत्ता निकली दी है। आज कष्ट कश्मीर ही उसे आम आदमी की नहीं है, दुकानदार चाहता मेरी दुकान चले, कौन सा दुकानदार जितने भी हैं वो इतने खुश हैं, जितने भी कारोबारी ताजर हैं वो खुश हैं, जेड़े टैक्सी आला जेड़ा टूरिस्ट आला वो खुश है, लोग अमन यात्रा के आगमन का इंतजार करा दे, लेकिन मरोड़ ढिडे होने पे रहे जिन्हें लभा ला कि महाराज इस खुशहाली साड़ी नौकरी नहीं बनती, जिन्हें लाशें का सौदा किया
जिन्हें लाशें पर अपनी सियासत की उन्दिया लत्ता टूंबी दी उन्दे हथा रेत निकला दिया ए रेत की मुट्ठी जी है हूं भाजपा के हाथ है और मजबूत मुट्ठी बनेगी ए सारा फर्ज है अस सारे बंदे बीच कठे हुई है योगदान देते श्रीदेव जी तुस आए तू सारे बड़े भरा तुसे असें अगे चलाना अस तुम्हारे पिछे पिछे चलांगे और इस आवन की और मजबूत करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सुरेंद्र राणा जी भाजपा एक ऐसी विचारधारा है जिसके लिए नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट और उसी का हमें नजर आते हैं हमारे संगठन मंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र राणा जी को कहूंगा मंच पर आए और हमारा सभी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान अशोक कौल जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब हमारे हर दिल अजीज भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चीफ साहब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर किसान मोर्चे के अध्यक्ष श्रीमान ओमी खजूरिया साहब और विशेषकर जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है श्रीमान शिवदेव सिंह जी मैं उनका हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और उनके साथ आए जितने भी ये प्रोमिनेंट सज्जन नौजवान बुजुर्ग जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा मैं आप सबको भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। हमारे बीच हमारे कॉर्पोरेटर्स बंधु हैं मंडल अध्यक्ष जी हमारे नंद किशोर साहब वहां से हमारे सीनियर लीडर्स जितने भी साथी सहयोगी साथियों ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त डंका बज रहा है। एक जमाना होता था जब जम्मू रीजन जम्मू संभाग वो कठुआ सांबा जम्मू उधमपुर सुंदरवानी नौशहरा और इसके साथ साथ रियासी का एरिया हो डोडा किश्तवाड़ वाली साइड भारतीय जनता पार्टी का एक जबरदस्त बोलबाला होता था। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया और जिस मिशन को साथ लेकर काम किया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ जो मोदी साहब ने काम किया ये इसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहा आज उड़ी हो करना हो टंगढार हो लोलाब हो हंदवाड़ा हो गुरेज हो आज बड़गाम हो बांडीपुरा हो गांदरबल हो श्रीनगर हो पुलवामा हो कुलगाम हो अनंतनाग हो या त्राल जैसे एरिए में भी जो कश्मीर घाटी के एरिए हैं या हमारे रजौरी पुंछ के एरिए आप मंडी हो पुंछ हो सुरनकोट मेंढर रजौरी बुद्दल थन्ना मंडी मंजाकोट दरहाल या डोडा किश्तवाड़ के एरिए हो दूर दराज के दक्षिण मड़वा वड़वन का एरिया हो बनहाल का एरिया हो पोगिल परिस्तान का एरिया हो या मोहर चसाना सुंगड़ी का एरिया हो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रभाव और जबरदस्त डंका। साथियों ये कोई एक रात में नहीं हुआ जैसा आदरणीय शिवदेव जी ने कहा कि वो बचपन में शाखा में जाते थे खेल खेल में देशभक्ति की भावना जो वहां सिखाई जाती थी वो देश के लिए भारत माता के लिए अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जो संकल्प जो वहां शिक्षा दी जाती थी उसको लेकर राष्ट्र के लिए काम करने की एक प्रेरणा
और एक संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये काम करता है, वो अपने लिए नहीं जीता, वो देश के लिए जीता। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप कार्यालय में जाएंगे, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इंडिया फर्स्ट, पहले हमारा देश, जैसे देश की जंगे आजादी के दिनों में क्रांतिकारी थे अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, झांसी रानी, अशफाक उल्ला खां और बहादुर शाह जफर जैसे लोग जिन्होंने फांसी के फंदे गले में डाले और भारत माता की जय जयकार की। ये वही क्रांतिकारियों का दल है, ये वही क्रांति है जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के दिल में मैं नहीं होता, हम, देश, भारत माता। इसलिए ये केवल भारतीय जनता पार्टी है कि जिसका हर एक कार्यक्रम भारत माता की जय से शुरू होता है और वंदे मातरम पर जाकर समाप्त होता है। ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है। और हमारी पार्टी में इसलिए होता है कि क्योंकि हमारी पार्टी इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, हमारा एक वैचारिक संगठन है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं जब जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह जी बहादुर ने भारत के साथ किया, उस वक्त के जो दिल्ली में बैठे हुक्मरान थे वो कांग्रेस के लोग जवाहरलाल नेहरू, और यहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये वो लोग थे जिन्होंने महाराजा हरि सिंह बहादुर को विलय के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया था। ये डोगरों का जम्मू कश्मीर पूरा, जिसमें गिलगित बल्टिस्तान तक हमारा था, तिब्बत देशाधिपति के नाम से महाराजा हरि सिंह जी को याद किया जाता था, लेकिन कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू और यहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह बहादुर, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, उनको ही जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया और अंतिम सांस तक उनको जम्मू कश्मीर में नहीं आने दिया था। और यहां दो दो झंडे लगा दिए थे, दो दो, और तिरंगा झंडा तो यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहां तिरंगा झंडा हाथ में लेकर आए, आप सबको मालूम है किस तरीके से उनको लखनपुर में गिरफ्तार किया गया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कहा था एक तिरंगा दो नहीं, दो झंडे नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आख्या एक देश से एक झंडा आंदा दो नहीं हो सके, और एक देश से दो प्रधानमंत्री ला रहे, नेहरू लग तो शेख अब्दुल्ला लग, दो दो प्रधानमंत्री, दो दो कानून। इथुआ अगर बाहर जाना हुआ है, चार धाम दी यात्रा, को धार्मिक यात्रा करन, गंगा, जमुना, सरस्वती दर्शन करन जाना हुआ है, परमिट सिस्टम, पासपोर्ट बनाने पौंदे लखनपुर, ते कुसे ही बारा इधर आना हुआ है, इथे परमिट सिस्टम होंदे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब, महाराजा हरि सिंह जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, इन्हें आंदोलन किते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका बलिदान हुआ, उनकी कुर्बानी लगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने संघर्ष किया, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, बड़े जुल्म होए, गोलियां चलिया, ईरा नगर लोग शहीद होए, जोड़िए शहीद होए, सुंदरवानी शहीद होए, रामबन लोग शहीद होए, साइंस कॉलेज जम्मू दे बाहर आज भी स्टूडेंट एजिटेशन दे शहीदों के निशान उठे लेन, साढ़े नौजवान शहीद होए, स्टूडेंट जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं वो शहीद होए, कि इतने एक झंडा चाहिए। लेकिन इया कांग्रेस और इया नेशनली कॉन्फ्रेंस, इन्हें दो दो झंडे, दो दो प्रधान, दो दो कानून लाए दे। एक देश च एक झंडा होंगे कि दो होंगे सुनाओ, एक प्रधानमंत्री होंगे कि दो होंगे, एक कानून होंगे कि दो होंगे, ये साजिश ही कि आने वाले साल इतों जम्मू कश्मीर अलग किया जाए। बीजेपी के कार्यकर्ता संघर्ष लड़िया, कुर्बानियां दित्तियां, ते लग प्रधान भी खत्म हुआ,
परमिट सिस्टम भी खत्म हुआ तो रेंदी गेंदी कसर मोदी साहब ने भी कड़ाका कड़ी दिता 5 अगस्त 2019 तो झंडा भी इंदा लग हा जड़ा गया तो कानून भी तो या केंद्र शासित प्रदेश जेड़ी तकलीफ इन इतने होंगी ही जम्मू च नारे मार दे उइया तकलीफ पाकिस्तान हुई इसको केंद्र झूठी क्यों बनाया गया जम्मू क्यों कश्मीर को कुन गला दा देखो जी अपने घर का पता नहीं इधर झूठी क्यों बनाई ये बड़िया साजिशां हियां षड्यंत्र हे जेड़े साढ़े पूर्ववर्ती प्रजा परिषद जनसंघ बीजेपी के कार्यकर्ता लड़िया और असे इस गल की खुशी है कि शिवदेव सिंह जी ने जड़े अपने परिवारिक अपने पिता जी अपने संघ के कार्यकर्ता प्रचारक बंधुओं का जिक्र किया देर गए सही लेकिन बड़ी खुशी की गल है कि अपने परिवार चो वापस आए असें बड़ी खुशी है साथियों आने वाले दिनें भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है डीलिमिटेशन हुई है हुन जम्मू कश्मीर इलेक्शन होने वाले ने और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लेता मिशन 50+ सीटा लेइए जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का है एदे वास्ते अस सारे काम कराने और अज शिवदेव सिंह हुंदे ज्वाइन करने कन्ने और तुसे सारे साथी ने भारतीय जनता पार्टी च शामिल होने कन्ने मी पूरा यकीन है कि साड़ा ये मिशन और मजबूत होई गया और ताकत मिली गई सानू जेड़े काम अज मोदी साहब ने किते ने और हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है जम्मू का या कश्मीर का है डोगरा या कश्मीरी है कोई भेदभाव नहीं सारे ने भला होगा अज सारे किसान के खाते च 6-6 हज़ार एक बटन मोदी साहब दवांदे लांदे ने अज फ्री वैक्सीन कोरोना मोदी साहब ने मकाया फ्री राशन मोदी साहब ने देश की जनता ही बच्चे बच्चे ही तक पहुंचाया ग्राई पिंडे च गरीब लोगों ने PMAY दे मकान अस जदों पुरानी सरकारें दे दौर पता है 5 सालें च एक ग्रां च इक्के मकान आंदा हा अज एक एक साल च 100-100 मकान एक एक पंचायतें च आ दे स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट बाथरूम कराए लोकें गरीब लोकें करें मोदी साहब बनाए और सब तू बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत 5-5 लाख रुपया कार्ड गोल्डन कार्ड मोदी साहब दे भगवान नहीं करे कोई बीमार हो या लेकिन अगर कोई बीमार हो या एक कार्ड थुआ 5-5 लाख और जम्मू कश्मीर सारे लोकें चाहे रेड़ी वाला फड़ी वाला दुकानदार मजदूर है किसान है बेरोजगार है या कोई दुकानदार है व्यापारी है फौजी है पुलिस वाला है सरकारी मुलाजम है सारे ही स्कीम दीतिया लाओ मोदी कार्ड 5-5 लाख रुपया इलाज वास्ते तुसे भी बनाए दे नहीं बनाए दे खजूरिया साहब बनाए नहीं ये देखो ये है मोदी सरकार सारे का भला ई श्रम कार्ड गरीब लोगों कि भला है अज जम्मू च रिंग रोड बना दिया IIT IIM एम्स ग्राए पिंडे बिजली पानी जल जीवन मिशन शुरू हुई है जिले लोकें दे कम होंदे ने ते लोकें दिले मोदी साहब उल्ले गा नारा लगदा हर हर मोदी ते घर घर मोदी क्योंकि घर घर मोदी दे कम न हर व्यक्ति की मोदी साहब दी स्कीमें दा फायदा आ जिन्ने लोकें राणा साहब सुनावे है जिन्हें आख्या 370 धारा खत्म होने का केव फायदा होया सुनाओ गुज्जर बकरवाल ओ मुसलमान 70 साल NC कांग्रेस ने गुज्जर बकरवालों को गुलाम बना के रखा था ना जमीनों के हक ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन और उल्टा इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन नौकरियां खाई उड़ियां पहाड़ी कबीले ने लोगों का जिक्र नहीं किया गद्दी सिपियों का भला नहीं किया
गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कदे भला नहीं किया। खाली लोटी बाजी ही लोटी, दो दो हथे किन्ने गरीब लोगों का खून चूसते, लेकिन अज ये सारा काम खत्म हो गया। कश्मीर च मैं गया हा, कल गया आया, उस नंदे 12 महीने च 10 महीने लाल चौक बंद रहा हा, अज खुला है, कोई पत्थर नहीं, वरना आर्मी आले ऑपरेशन करते हैं उत्थे पत्थर चलते हैं। मेरे साथियों, अज साड़ी खुशनसीबी है कि मोदी साहब जैसा एक देवता आदमी, एक परमात्मा स्वरूप, भगवान जी का एक स्वरूप अज साड़े देश च लोकें दा भला करा दे। साथियों, ये जड़ियां दुनिया ताकत ने बड़ा षड्यंत्र छल कपट करा दी, इत्थे जेड़े इंदे बड़े बड़े नेता ने उन्हें उन्हें बड़िया चीजा याद आनियां, क्यों क्यों नहीं पता, वोट दो थोड़े नहीं, लोकें आपस ही लड़ाओ, झूठ फ्राड फ्रेम करिए, इन्हें लोकें आपस ही लड़ाने की कोशिश करनी है, लेकिन असें सारे एक मुठ होइए, एक जुट होइए, देश का कम करना, भारत माता की सेवा करनी, और मोदी साहब की मजबूत करना, क्योंकि मोदी साहब दे हाथ जिन्हें मजबूत हो गन देश मजबूत होना है। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर च आने वाले असेंबली इलेक्शन तू बाद सारी सरकार बननी चाहिए, सारा चीफ मिनिस्टर बने, एदे आस्ते तुसे सारे दिन रात काम करना, एक एक व्यक्ति का रोल है। जैसे भगवान राम जी ने लंका जाने लिए पुल बनाया हा, बानर सेना नल नील सब लगे है, एक गलैरी ने भी अपना रोल अदा किया हा, उदा जिन्ना दम हा कैपेसिटी ही उन्हें काम किया। इस वास्ते साथियों, हर व्यक्ति का रोल है। मैं हाथ जोड़िए अज दे इस जेड़े जाइनिंग दे ध्याड़े तुसें बीजेपी का दामन थमिया, तुसें मुबारख भी दिना शिवदेव सिंह होरें ही, जेड़े साढ़े बड़े भरा ने, वो साढ़े बड़े करीबी, साड़ी परिवारिक रिश्तेदारी है साड़ी, मैं मुबारख दिना बड़ी चिरे दा, जेड़े इंदे परिवार दे लोग गै ला दे हे, ते इन्नी मुबारख देइए, तुसें सारी मुबारख देइए दिला थूआं, ए मेद करना कि तुस बीजेपी दे शपाई हो, और शपाई दे तरू बीजेपी की तुसें इत्थे मजबूत करना। जय हिंद जय भारत। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा कुशल जल की तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाता जन गण मंगल दाता।